हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की झारखंड पीजीटी की क्लास रहने वाली है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोसेस अकाउंट को। प्रोसेस अकाउंट में हमने 2 से 3 क्वेश्चन भी कर लिए हैं और आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि अभी तक मैंने सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ है, पूरे के पूरे स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। प्रोसेस अकाउंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सारे के सारे मेथड को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। तो हम लोग इसमें देखो लिखा हुआ है प्रक्रिया खाते कैसे तैयार करें और वही हम लोग पिछले क्लासों में करते आए हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उनको आप लोग ज़रूर देख लें, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लिया है, तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक उत्पाद 3 प्रक्रियाओं से प्राप्त होता है। कोई प्रोडक्ट है वो 3 प्रक्रिया से मिलकर बनता है। पहली प्रक्रिया है इनकी पीयू क्यू और आर, मतलब कि 3 प्रक्रिया जो हैं उन प्रक्रिया का नाम है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, ए बी सी, इस प्रकार से नाम हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग और फिनिशिंग, इस प्रकार से भी नाम हो सकते हैं। तो इस बार इस क्वेश्चन का नाम है पी क्यू और आर। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश में अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि ए प्रोडक्ट इज ओविडेंट थ्रू 3 प्रोसेस। प्रोसेस के नाम दिए हैं पी क्यू और आर। अब लिखा हुआ है कि जो जानकारी है, जो डाटा है वो नीचे दिया गया है कि तीनों प्रक्रिया में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, क्या क्या एक्सपेंसेस यूज होते हैं, मतलब कि क्या क्या व्यय होते हैं और क्या क्या हम लोगों के लॉस होते हैं, वो सारी की सारी बातें हम लोगों को नीचे दी गई हैं। तो सबसे पहली जानकारी में लिखा हुआ है कि हम लोगों को पहली जानकारी में लिखा हुआ है कि कच्ची सामग्री प्रवेश इकाई, मतलब कि कच्ची सामग्री जो है सबसे पहले प्रोसेस में, मान लो कि हम लोगों ने पहली प्रोसेस में हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं पी में लिए हैं गन्ने, ठीक है। अब गन्ने से बनाएंगे रस और रस बना के मान लो कि क्यू में डाल देंगे। अब क्यू में डालने के बाद इनका का काम है कि इनका काम है गुड़ बनाने का। अब ये गुड़ बनाएंगे, क्यू वाले क्या बनाएंगे, गुड़, और गुड़ बनाने के बाद ये इनमें डाल देंगे, और गुड़ बनाने के बाद आर का क्या काम है कि आर का काम है गुड़ से चीनी बनाना। तो इस प्रकार से हम लोगों की लास्ट में क्या बन जाएगी, चीनी बन जाएगी। मान लेते हैं मैंने ऐसे ही आप लोगों को समझा दिया है कि इनकी प्रक्रिया को हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इनको आगे समझते हैं कि और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मान लो कि हम लोगों ने सबसे पहले इकाइयाँ कितनी ली हैं, कच्ची सामग्री प्रवेश इकाई, जब हम लोगों ने सामग्री ली है तो सबसे पहले हम लोगों ने कितनी सामग्री ली है, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस यूनिट, यूनिट में कितने लिए हम लोगों ने, 2000 यूनिट लिए हैं, ठीक है। अब ये यूनिट जो है ये माल बनाएंगे और ये माल बनाने के बाद अपना माल बनने के बाद कहाँ डाल देंगे, क्यू में, और क्यू अपना माल कहाँ डाल देंगे, आर में। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया में चलती रहेगी। इसीलिए क्यू में देख लीजिए कि क्यू ने कोई सामग्री नहीं ली है तो इनके में डैश लगा हुआ है और आर के में भी डैश लगाया हुआ है, क्योंकि ये सामग्री लेंगे कहाँ से, क्यों कहाँ से सामग्री लेंगे, क्यों लेंगे, पी से सामग्री। तो इसीलिए इनके में सामग्री में डैश लगाया हुआ है, मटेरियल में डैश लगाया हुआ है। अब उसके बाद आती है कि पी ने कितनी सामग्री, कितना मटेरियल लिया है, तो इन्होंने लिया है 2000, ठीक है, 2000 यूनिट लिए हैं। और इन्होंने एक यूनिट का रेट कितना रखा है, तो एक यूनिट का रेट दिया है 25 रुपये। तो इन्होंने खर्च कितना किया होगा कि मान लो 2000 इकाई हैं, अब एक इकाई जो है वो मिलती है कितने रुपए की, 25 रुपए की। तो 2000 इकाई कितने की मिलेंगी, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 25 दूनी 50, तो ये हम लोगों को इकाइयाँ मिलेंगी, पूरी की पूरी जो इकाइयाँ खर्च की हैं उनकी अमाउंट है हम लोगों की 50,000 रुपये। तो वो भी हम लोग लिखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे इसको भी बताएंगे, फिलहाल क्वेश्चन को समझते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने बेजेज भी की हुई है, तो बेजेज अलग अलग प्रक्रिया में हुई है, इन्होंने 12,000, क्यू में भी 12,000 और आर में 15,000, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं जिन्हें प्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं। प्रत्यक्ष व्यय पी ने कितने किए हैं, 1600, क्यू ने कितने किए हैं, 1792, और आर ने कितने किए हैं, 2092, ठीक है। अदर मटेरियल भी यूज़ हुआ है इन तीनों प्रक्रिया में, तो पहली प्रक्रिया पी में यूज़ हुआ है 5000 का मटेरियल, इसमें 3000 का और इसमें 2000 का, ये एडिशनल मटेरियल है, अदर मटेरियल भी जिसे बोल सकते हैं,
इनको अलग से लगा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज की, ये क्वेश्चन जो है अभी तक हम लोगों ने नॉन वेस्टेज के कोई क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। इसीलिए लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस जो लिखा हुआ है वो परसेंटेज इन इनपुट में दिया है। जितने इनपुट होंगे हम लोगों के, जितने यूनिट आएंगे उतने का हम लोगों को 8% होगा पी में, क्यू में 5% होगा और आर में 2% होगा। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि ये तो थे हम लोगों के प्रत्यक्ष व्यय, नीचे दिए हुए हैं अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय को हम लोगों ने पिछली क्लास में बांटा था। अब इसमें हम लोगों को रेशियो दे रखा है कि हम लोगों को 12,000 किस रेशियो में बांटने हैं, पी के हैं 5 और क्यू के हैं हम लोगों के 4 और आर के हैं 3। तो मतलब इनके हिस्से निकालेंगे हम लोग, 12,000 को बांटेंगे, अभी सीखेंगे हम लोग। और अब नीचे देखो लिखा हुआ है कि अनुपात में बांटा गया, मतलब कि अप्रत्यक्ष व्ययों को इस अनुपात में बांटा गया है। प्रक्रिया खाते बनाइए, प्रक्रिया खाते बनाइए व प्रत्येक प्रक्रिया की प्रति इकाई लागत भी दर्शाइए। मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ 12,000 शेयर इन रेशियो ऑफ 5:4:3 प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट इन ईच प्रोसेस। मतलब कि प्रत्येक प्रक्रिया की इकाई लागत पूछी है कि पी में कितने की इकाई है, पी की इकाई कितने की है, क्यू की इकाई कितने की है और आर की इकाई कितने की है। तो अब हम लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में आप लोग बस फॉलो करते रहिए, आराम आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और बिल्कुल समझते हुए साथ ही साथ चलेंगे। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि प्रोसेस अकाउंट हम लोग अब बनाएंगे, और प्रोसेस में सबसे पहले प्रोसेस बनाएंगे पी को। तो प्रोसेस पी में हम लोग कौन कौन से कॉलम लिखते हैं तो वो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को आराम से अच्छी तरीके से बता दिया था और समझा भी दिया था कि कौन कौन से अमाउंट का कॉलम बनाते हैं, तो प्रोसेस में कितने कॉलम बनते हैं हम लोगों ने बता दिया था। तो इसमें मैंने खींच लिया है पहले से ही कि प्रोसेस पी बनाएंगे हम लोग, पी अकाउंट को पहले। इसमें कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट डेबिट, ये अमाउंट डेबिट है, फिर पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट और ये अमाउंट क्रेडिट है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को साफ समझ में आए। इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले कि हम लोग क्या करेंगे कि जो मटेरियल हम लोगों ने लिया है डेबिट में, हम लोग कौन सी चीज़ें लिखते हैं। तो आप लोगों ने कहा है कि हम लोग वो चीज़ें लिखते हैं डेबिट में जो हम लोगों ने खरीदी हुई हैं, खरीदते हैं हम लोग उन चीज़ों को हम लोग डेबिट में लिखते हैं जो जिनसे हमारा पैसा खर्च होता है। तो हम अगर कच्ची सामग्री लेंगे तो हम लोगों को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे टू में रॉ मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है टू में रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल लिख दिया है तो कितने यूनिट कितने हैं, तो हम लोगों ने लिए हैं 2000 यूनिट लिए हैं। और अब वो यूनिट हैं कितने के, तो टोटल अमाउंट हम लोगों ने बताई हुई थी अभी हम लोगों ने कि 2000 यूनिट लिए हैं और एक यूनिट कितने का है, 25 रुपये का है। तो टोटल अमाउंट हम लोगों ने कितनी खर्च की होगी, तो हम लोगों ने अमाउंट खर्च की होगी 50,000 रुपये। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है 50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मेटेरियल तो लिया है, प्लस हम लोगों ने अदर मटेरियल भी लिया है। ये देखो लिखा हुआ है अन्य सामग्री जिसे अदर मटेरियल बोलते हैं, तो हम लोग टू में अदर मटेरियल भी लिखेंगे, अदर मटेरियल भी लिखेंगे। अब वो कितना लिया है, तो उसकी यूनिट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अमाउंट तो है। तो अमाउंट ली हुई हम लोगों ने 5,000 का, हम लोगों ने अदर मटेरियल भी लिया है, ठीक है। और का लिया है तो हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च किए हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोगों ने एक अमाउंट है जो हम लोगों ने खर्च की है पी में 1600 रुपये, तो ये भी हम लोगों ने खर्चा है। तो खर्चा सारे के सारे हम लोगों के डेबिट होते हैं। ये एक श्रम लिखा हुआ है जिसे वेजेज बोलते हैं, तो ये 12,000 रुपये की हम लोगों ने खर्च की है, तो हम लोग इसे बोलते हैं डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे ये हम लोगों के, और ये हैं हम लोगों की डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस कितनी है, तो वो है हम लोगों की 12,000 रुपये। अब उसके बाद हम लोगों ने एक बात और याद रखी है कि हम लोगों के डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो लिख दिए हम लोगों ने, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लिखने हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोग कहेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोगों के नीचे साइड में दिए हैं। तो वो कितने दिए हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, हम लोगों को दिए हैं 12,000 रुपये, ये हम लोगों ने
गोले में लिख रखे हैं 12,000 रुपये। अब इनको बांटना कैसे है, तो हम लोग बांटेंगे 5:4:3 में। तो 5 का किन का हिस्सा है, पी का, और हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पी का अकाउंट बना रहे हैं। तो हम लोग इनमें देखेंगे 5 और अनुपात, नीचे हम लोग हमेशा इनका टोटल लिखते हैं, 5 और 4 9 और 9 और 3 12, तो इनका टोटल हो गया 12। अब 12 एकम हम लोगों का, 12 एकम 12 1,000, और 1,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी, 5,000 रुपये। मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पी में कितना होगा, तो पी में होगा 5,000 रुपये। उसके बाद हम लोगों ने सारे खर्चे लिखने के बाद अब हम लोगों को एक बात पढ़नी है कि जैसे मान लो कि कोई प्रक्रिया, हम लोग कोई सामान बनाते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि कुछ ना कुछ हम लोगों का लॉस में चला जाता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लॉस में चला जाए और कुछ वेस्टेज में भी चला जाए, वो वेस्टेज के क्वेश्चन आगे आएंगे आप लोगों को। फिलहाल हम लोग लॉस की बात करेंगे, तो नॉर्मल लॉस हम लोगों को होता ही होता है। जैसे मान लो कि कोई दर्जी कपड़े बनाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि दर्जी कपड़े बनाता है तो कुछ कपड़ा तो यूज हो जाता है, जो कपड़ा यूज हो जाता है उसे, ठीक है, लेकिन कुछ कपड़ा कतरन के रूप में कुछ कपड़ा बच जाता है, तो उसे हम लोग वेस्टेज बोल सकते हैं, उसे हम लोग लॉस भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रक्रिया में कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलता है, स्क्रैप जिसे बोलते हैं हम लोग, और कुछ ना कुछ लॉस के रूप में भी होता है, जिसे हम लोग नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। आगे हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। अब हम लोग इसको जानेंगे कि नॉर्मल लॉस पी में कितना दिया है, 8%। मतलब कि जितनी यूनिट आती हैं प्रवेश का प्रतिशत, मतलब कि जितनी यूनिट आती हैं उनका 8% वेस्टेज हो जाता है। मतलब इसमें लिखा हुआ है लॉस हो जाता है, सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि 2000 यूनिट आई और 2000 यूनिट आई तो कितनी यूनिट का वेस्टेज होगा, मतलब लॉस होगा 8%। तो 8% 8/100 लिखेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल और 8 × 2 = 16, मतलब 2000 यूनिट हम लोगों ने ली हैं और उसमें से हम लोगों की लॉस कितनी हो गई है, 160 यूनिट हम लोगों की लॉस हो गई हैं। तो लॉस हम लोग लिखेंगे, मैंने पिछली क्लास में और सबसे पहली क्लास में, प्रोसेस की पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम लोग प्रॉफिट को डेबिट साइड में लिखते हैं और लॉस को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो अब हम लोग लिख देंगे बाई साइड में, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो उसमें हम लोग लिख देंगे बाई नॉर्मल लॉस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई बाई नॉर्मल नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस का अगर कोई रेट हो, मतलब कि बिक्री का कोई रेट हो तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे कि लॉस को हम लोगों ने क्या मान लिया है कि लॉस हो गया है पूरा का पूरा यूनिट। तो 160 यूनिट हम लोगों के लॉस हुए हैं और उनसे कोई अमाउंट हमें नहीं मिली है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक बात बताइए कि हम लोगों ने एक सेकेंड इसको हम लोग हटा देते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोगों ने कितने यूनिट लिए थे, आप लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने 2000 यूनिट लिए थे और उसमें से 160 यूनिट हम लोगों की बेकार हो गए, मतलब कि लॉस में चले गए। तो शेष यूनिट जो बचे हैं, तो शेष यूनिट कितने बचे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि शेष यूनिट जो बचे हैं वो बचे हैं हम लोगों के 1840 यूनिट बचे हैं, और 1840 यूनिट हम लोग बचे हैं तो प्रोसेस पी के बाद हम लोग किस में भेजेंगे, प्रोसेस क्यू में भेजेंगे ये यूनिट को। तो अब हम लोग लिख देंगे बाई बाई प्रोसेस प्रोसेस क्यू, और कितने यूनिट भेजेंगे, 1840 यूनिट भेजेंगे। अब उसमें हम लोग करेंगे इनके टोटल की बात, तो इनका टोटल हम लोग बड़े ध्यान से करेंगे कि सबसे पहली बात आती है कि हम लोग यूनिट का टोटल करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि हम लोगों ने यूनिट का टोटल किया, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों ने यूनिट का टोटल किया, तो इस यूनिट का टोटल आया हम लोगों ने रफ पे किया है 2000, और इस यूनिट का टोटल आया है हम लोगों का मान लो 160। अभी हम लोगों ने 1840 नहीं लिखे हैं, ये समझना आप लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों साइड में टोटल करेंगे तो किस साइड का टोटल बड़ा है, तो आप लोगों ने कहा है कि 2000 की अमाउंट का टोटल बड़ा है, तो इस साइड का बड़ा है हम लोगों का टोटल, तो इसको हम लोगों ने 2000 लिख दिया, और यहाँ पर भी जो बड़ा टोटल होता है उसको हम लोग दोनों साइड पर लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो शेष है उसको हम लोग कहाँ ले चलेंगे, बाई प्रोसेस क्यू में ले चलेंगे। तो प्रोसेस क्यू में ले चलेंगे, तो बड़े टोटल में से जब थोड़े टोटल को घटाएंगे, बड़े टोटल में से
छोटे टोटल को घटाएंगे तो कितनी अमाउंट आएगी हम लोगों की, 1840। तो जो 1840 है ये डिफरेंस भी हम लोग मान सकते हैं, तो ये हम लोगों ने लिख दिया है 1840। अब उसके बाद हम लोग करेंगे, अभी हम लोगों ने यूनिट का टोटल किया था, अब हम लोग करेंगे अमाउंट का टोटल। तो अमाउंट का टोटल इन दोनों का, इन सारे के सारे अमाउंट का हम लोग टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आएगा हम लोगों का 73,600, मतलब 73,600। अब इस टोटल को हम लोग इस साइड पे भी लिख देंगे, क्योंकि इस साइड का टोटल कुछ है नहीं है, तो इधर का भी टोटल 73,600। और 73,600 में कोई अमाउंट घटने के लिए नहीं है, तो हम लोग पूरी की पूरी अमाउंट हम लोगों की 73,600 आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक प्रक्रिया की प्रति इकाई लागत भी बताइए। तो 1840 यूनिट कितने के बने हैं, 73,600 के। तो अगर हम लोग एक यूनिट की बात करें, तो एक यूनिट की बात करेंगे तो 73,600 में हम लोगों ने कितने यूनिट बनाई है, 1840 यूनिट बनाई है। तो इसको हम लोग भाग देंगे, तो हम लोग कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसमें भाग देंगे तो कितने नंबर हैं हम लोगों के, 73,600 डिवाइड बाई 1840, तो हम लोगों का आ जाएगा 40 रुपये। तो एक यूनिट हम लोगों का कितने में बना है, तो वो बना है हम लोगों का 40 रुपये में। तो अब हम लोग देखते हैं इनके आंसर की बात को। तो आंसर में देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन के आंसर में लिखा हुआ है नीचे आंसर में कि प्रोसेस पी में 1840 यूनिट बनाई है हम लोगों ने, और कितने के बनाए हैं, 73,600 के। और अगर एक रुपये एक मतलब एक यूनिट की बात की जाए तो वो है हम लोगों की 40 रुपये। तो इस प्रकार से हम लोगों का आंसर एक आने के बाद, अब हम लोग करेंगे प्रोसेस पी के बाद करेंगे क्यू को। तो अब हम लोग बनाते हैं क्यू के अकाउंट को। जैसा कि हम लोगों ने प्रोसेस पी को कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग बनाने वाले हैं प्रोसेस क्यू को। तो हम लोगों ने पहले ही कॉलम खींच लिए हैं आप लोगों के लिए कि पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट डेबिट, ये अमाउंट डेबिट है, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट क्रेडिट। हम लोग जो कॉलम हम लोगों ने ऊपर बनाए थे वही कॉलम हम लोग फिर से बनाएंगे। अब बात आती है कि प्रोसेस क्यू को, अब प्रोसेस पी ने क्यू में कितने यूनिट भेजे हैं, तो इन्होंने जो यूनिट भेजे हैं उनको सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। तो टू में लिखेंगे सबसे पहले, टू में क्या लिखेंगे हम लोग, टू में सबसे पहले तो लिखेंगे प्रोसेस, किस प्रोसेस से आई हैं, तो आप लोग कहेंगे कि प्रोसेस पी से आई हैं। कितने यूनिट आई हैं, प्रोसेस पी अकाउंट से आई हैं, कितने यूनिट आई हैं, तो आप लोग कहेंगे 1840 यूनिट आई हैं। क्यों आई हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रोसेस प्रोसेस क्यू ने कोई यूनिट नहीं खरीदा है। ध्यान से देखिए कि प्रोसेस क्यू ने कोई यूनिट नहीं खरीदा है, तो ये जो है पी जो है इनके पास भेजेंगे, और क्यू के पास, क्यू जब बनाएंगे तो वो माल किनके पास भेजेंगे, आर के पास भेजेंगे। अब बात आती है कि ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि अब हम लोग इनको मटेरियल को लिख लेंगे कि 1840 यूनिट भेजे हैं और वो कितने रुपए के हैं, तो वो है 73,600 रुपए के हैं, 73,600 रुपए के। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि इन्होंने मटेरियल तो लिया नहीं था, लेकिन इन्होंने टू में अदर मटेरियल ज़रूर लिया था। तो अदर मटेरियल कितना है, तो अदर मटेरियल को भी हम लोग देख लेंगे। तो अदर मटेरियल जो है वो दिया है, तो वो अदर मटेरियल जो दिया है 5,000 तो पी में था, लेकिन 3,000 किस में है, तो क्यू में है। 3,000 का इन्होंने अलग मटेरियल, अलग से मटेरियल लिया है, जिसे अदर मटेरियल बोल सकते हैं 3,000 का। अब और क्या लिया है, तो इन्होंने खर्चे किए हैं, तो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं, और डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस है वो कितनी है उसको भी देखते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए हैं उनको हम लोग देखेंगे, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं इन्होंने 1792 के, और लेबर दी है वो दी है इन्होंने 12,000 की, इन्होंने भी 12,000 की दी है। तो 1792 और 12,000,
उसके बाद इन्होंने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं, उनको भी हम लोग लिखेंगे जो अलग से लिखे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग बांट लेते हैं, कितने रेशियो में थे, तो वो थे 5:4:3। तो 5 का हिस्सा था पी का, 4 वाला हिस्सा था क्यू का और 3 का हिस्सा था आर का। तो अब हम लोग किस अकाउंट को बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं क्यू को। तो हम लोग बांटेंगे कितने रुपए, तो वो बांटेंगे हम लोग 12,000 रुपए को, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 12,000 रुपए दिए हम लोगों को। अब हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोग करेंगे 12,000 मल्टीप्लाई 4 और नीचे लिख देंगे हम लोग इनका टोटल, 5 और 4 9 9 3 12। तो 12 से 12 हो गए कैंसिल, 12 एकम 12, और 1 का मल्टीप्लाई जब 4 में होगा तो ये होंगे हम लोगों के 4,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नॉर्मल लॉस जो होता है क्यू में होता है कितने प्रतिशत, 5%। तो जितने यूनिट डाले गए हैं उसका 5% इनको क्या होता है, इनको लॉस होता है। तो अब हम लोग लिखेंगे बाई नॉर्मल नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कितना है, तो हम लोग देखेंगे कि जितना प्रतिशत, जितने यूनिट आए हैं, तो यूनिट कितने आए हैं क्यू में, 1840 यूनिट आए हैं। अब कितने परसेंट लॉस होगा, तो वो होगा 5%। तो इसका हम लोग 5% निकालेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, और 2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर हैं इनको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों के कटेंगे 92 बार, 2 ने 18 और 2 2 4। तो हम लोगों के यूनिट जो लॉस में गए हैं वो गए हैं 92 यूनिट। तो हम लोगों ने लॉस में लिख दिया है 92 यूनिट, और लॉस की अमाउंट से कोई कवर नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे डैश। उसके बाद अब हम लोग इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि क्यूब में हम लोग बना रहे हैं, और क्यूब वाले जो हैं अब जो है शेष यूनिट को कहाँ पर भेजेंगे, तो बनाने के बाद क्यू का काम क्या है कि जितने यूनिट बनाएंगे वो भेजेंगे आर में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इनका टोटल करेंगे, तो इनका टोटल करेंगे हम लोग, यूनिट का टोटल करेंगे तो इधर साइड का टोटल आएगा हम लोगों को 1840। ठीक है, और ये टोटल है, अगर हम लोग इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 92। तो आप लोग कहेंगे कि 1840 जो टोटल है वो बड़ा टोटल है, उसको हम लोग दोनों साइड में लिख देंगे 1840। लिखने के बाद अब हम लोग ध्यान से देखिए कि क्यू में कितने यूनिट आए, तो आप लोग कहेंगे 1840 यूनिट आए हैं, उसमें से लॉस कितने हो गए, तो वो लॉस में चले गए 92 यूनिट। तो शेष जो बचे हैं वो कहाँ जाएंगे, तो वो शेष जाएंगे हम लोगों के प्रोसेस आर में जाएंगे, पी के बाद क्यू और क्यू के बाद आर। तो जो शेष यूनिट बचे हैं वो कितने यूनिट जाएंगे, तो वो जाएंगे 1748 यूनिट हम लोगों के शेष बचे हैं, तो वो जाएंगे यहाँ से, तो किस में जाएंगे, आर में जाएंगे। तो इसका हो गया, उसके बाद हम लोग करेंगे अमाउंट का टोटल। तो अमाउंट का टोटल जो आएगा, तो वो आ गया हम लोगों का 94,000। इसका टोटल हम लोग कर लेंगे, इनका टोटल आएगा 94,392। ठीक है, तो इनका टोटल हम लोगों ने किया है, तो इनका आया है 94,392, और इस साइड कुछ नहीं है, तो यही टोटल हो जाएगा हम लोगों का 94,392, और यही टोटल ऊपर भी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 94,392 में हम लोगों ने कितने यूनिट बनाए हैं, 1748। किसने बनाए हैं, क्यू प्रोसेस ने। तो अगर एक प्रोसेस की बात की जाती है, इनके प्रति यूनिट की बात की जाती है, तो वो कैसे आएगा, तो हम लोग अमाउंट में जितनी अमाउंट खर्च की है उसमें हम लोग कितने यूनिट बने हैं, तो ये है हम लोगों के 1748 यूनिट। अगर हम लोग इसमें इसका भाग दे देते हैं तो ये हम लोगों का आ जाएगा 54 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोसेस क्यू को भी कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग करेंगे प्रोसेस किसको करेंगे, प्रोसेस आर को, और जो हम लोगों की लास्ट
प्रोसेस होगी, जिसे हम लोग फिनिश्ड प्रोसेस भी बोल सकते हैं, और हम लोगों का माल बन के तैयार हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे प्रोसेस आर को। तो प्रोसेस आर में देखो लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कि हम लोगों ने प्रोसेस पी को कंप्लीट किया, प्रोसेस पी कंप्लीट करने के बाद जितने यूनिट बनाए उन्होंने, तो वो यूनिट कहाँ डाल दिए, तो वो डाल दिए हम लोगों के प्रोसेस क्यू में। और प्रोसेस क्यू ने बनाने के बाद यूनिट कहाँ डाल दिए हैं, तो प्रोसेस आर में। तो सबसे पहले जो माल आया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, तो टू में लिखेंगे प्रोसेस प्रोसेस क्यू अकाउंट। क्यू से हम लोगों के पास कितने यूनिट आई हैं, तो वो आई हैं 1748 यूनिट। तो हम लोगों ने लिख दिया है, तो 1748 यूनिट आई हुई हैं, और वो कितने रुपए की हैं, तो वो हैं हम लोगों के 94,392 रुपए के। कितने रुपए के, 94,392 रुपए के। कोई अलग से मटेरियल लिया, बिल्कुल लिया। तो टू में अदर मटेरियल भी लिया है, तो अदर मटेरियल भी लिया है, जो सभी प्रोसेस ने लिया है वो आर ने भी लिया है, तो उसको देख लेते हैं। तो अदर मटेरियल कितना लिया है, तो अदर मटेरियल जो है इन्होंने लिया था 5,000, इन्होंने लिया था 3,000, तो इन्होंने लिया है 2,000। तो हम लोग लिख देंगे अदर मटेरियल कितना लिखा है, तो वो लिख देंगे 2,000। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और क्या है, डायरेक्ट बेजिस है, डायरेक्ट बेजिस है। तो इनको भी देख लेते हैं कि इन्होंने कितने कितने दिए हैं। तो इस प्रोसेस में जो है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कितने हैं, 2092, और वेजेस के कितने हैं, 15,000। तो इनको भी हम लोग लिख देते हैं। तो किसके, इसके कितने हैं, 2092, और वेजेस के कितने हैं, 15,000 रुपये। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हम लोगों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हम लोगों ने अनुपात की बात की थी। तो अनुपात की बात हम लोगों ने किस प्रकार से की थी, 5:4:3। तो इनका कितना था, 3 हिस्सा। तो हम लोग अब बांटेंगे, तो 12,000 को हम लोग बांट रहे हैं, और 3/12 लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा हम लोगों को 3,000 रुपये। अब बात आती है कि लॉस की, तो इसमें भी लॉस होगा जो सारी प्रोसेस में हुआ है। तो इसमें कितना परसेंट लॉस होता है, इसमें होता है 2%। तो जितना मटेरियल आएगा उसका 2% लॉस होगा इस प्रोसेस में। किस प्रोसेस में, आर प्रोसेस में। तो हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई नॉर्मल लॉस। अब कितना आया है, तो देखिए ध्यान से कि 1748 यूनिट आए हैं, और इसका 2% लॉस हो जाता है। तो 2% इसका कितना होगा, तो उसको हम लोग लिख लेंगे और उसको करेंगे, तो ये होगा हम लोगों का 35। कितना यूनिट होगा, तो वो होंगे हम लोगों के 35 यूनिट हम लोगों के लॉस में चले गए, और अमाउंट में कोई रिकवरी नहीं हुई है, तो इसलिए हम लोगों ने डैश कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद अब कोई प्रोसेस नहीं है, तो अब किस प्रोसेस में डालेंगे। तो अब जब कोई प्रोसेस नहीं है और लास्ट प्रोसेस है, तो अब हम लोगों का माल बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे बाई फिनिश्ड स्टॉक। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे हम लोग फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में। अब हम लोग अपना माल को डाल देंगे, तो कितने यूनिट आए हैं आर प्रोसेस में, 1748 यूनिट आए थे। तो इसका हम लोग करेंगे अब टोटल। तो हम लोग यूनिट का टोटल पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग अमाउंट का टोटल करेंगे। तो हम लोग लिख देंगे कि हम लोगों ने कितना टोटल किया है, तो इसका टोटल आया है 1748 यूनिट। और अगर हम लोग इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल आएगा 35। लेकिन सबसे बड़े टोटल को हम लोग दोनों साइड में लिखते हैं, तो इस साइड भी हम लोग लिखेंगे 1748। अब 1748 में हम लोगों ने माल लिया था, आर प्रोसेस ने माल लिया था 1748, और उसमें से लॉस कितना हो गया, तो वो हो गया 35 यूनिट का। तो बचे यूनिट कितने, जो बचे यूनिट वो फिनिश स्टॉक में होंगे, तो वो कितने हैं, 1713 यूनिट। ठीक है, अमाउंट की बात करें, तो अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे, तो अमाउंट का भी टोटल करेंगे।
तो हम लोग इन अमाउंट का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा हम लोगों को 1,16,184, 484 आएगा। तो इसका टोटल हम लोग करेंगे तो इसका टोटल आएगा 484। इस साइड भी हम लोग इसका टोटल लिख देंगे 1,16,484। अब इस टोटल में से इधर कोई अमाउंट नहीं है तो इसी टोटल को हम लोग ऊपर भी लिख देंगे 1,16,484। मतलब हम लोगों ने 1,713 यूनिट बनाए हैं और वो कितने के बनाए हैं, 1,16,484 के। अगर हम लोग एक यूनिट की बात करें तो एक यूनिट कितने का बना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1,16,484 में भाग देंगे हम लोग 1,713 का, और हम लोगों का कितना आएगा, तो वो आएगा हम लोगों का रुपए में 68 रुपये पर यूनिट हम लोगों को माल बन के तैयार हम लोगों ने किया है। तो हम लोग अब आंसर मिला लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है कि 1,713 यूनिट बनाए हैं 1,16,484 के, और प्रोसेस का नाम है प्रोसेस आर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है, और इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस को जाना है। अगले क्वेश्चन में हम लोग एबनॉर्मल लॉस को जानेंगे और एबनॉर्मल वेस्टेज को जानेंगे, और उसके बाद और भी प्रोसेस के अकाउंट के सवाल हैं उनको भी हम लोग अच्छी तरीके से करने वाले हैं। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।